एनडीए और महागठबंधन के बीच चल रहे रस्साकसी और एनडीए के बीच खास करके रस्साकसी के बीच में अगर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अगर किसी को भुला दिया गया है तो वो है ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस एक अलायंस बना था 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें पांच दल शामिल थे। पांच दलों में एक दल सबसे जो महत्वपूर्ण था, जिसने 5 सीटें जीतकर इस पूरे गठबंधन का सम्मान बचाया था, वो थी AIMIM। AIMIM के 5 सीटों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सहित सभी लोग भुला चुके हैं, लेकिन वक्त वक्त पे कहीं ना कहीं ओवैसी और उनकी पार्टी जो बिहार में AIMIM इस बार 5 सीटें जीत कर आई है, एक नए तरह का राजनीतिक टेंशन देती रही है। एक बार फिर से उसने भारी टेंशन दे दिया है सत्ता में बैठे लोगों को और विपक्ष में खड़े लोगों को भी। कहीं ना कहीं आपको पता है कि ओवैसी की ये पार्टी पूरी तरह से अपने टसन में रहती है और अपने ही रंग में वो बिहार की राजनीति को देखती भी है, चाहे वो नीतीश कुमार से अपने क्षेत्र के विकास की बात करना हो या फिर विपक्ष और नीतीश कुमार से बार बार ये दर्शाना हो कि हमें भुलाना आपके लिए मुश्किल होगा। आपको बता दें कि कल ही एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें 5 विधायकों सहित पार्टी के वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे, वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे और एक बड़ा फैसला लिया गया है। किशनगंज प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में जो बातें सामने आई है उसे अख्तरुल इमाम ने मीडिया से बातचीत के दौरान रखा है और इस पूरे बैठक में जो बातें कही गई है उसमें साफ कहा गया है कि हमारा अलायंस तो है ही, लेकिन अलायंस के कुछ साथी इधर उधर भटक गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इशारा किया है उपेंद्र कुशवाहा को कि वो नीतीश कुमार की पार्टी में अपनी पार्टी का ही विलय करा लिए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा अलायंस भी है और हमें किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी मजबूती के साथ आने वाला जो बिहार में विधान परिषद का चुनाव है उसमें चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और नए साथियों को तलाश भी रहे हैं। इसके साथ ही स्पष्ट तरीके से अख्तरुल इमाम ने जो बातें कही है वो बातें आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और खास करके राजनीतिक दल के नेता तो जरूर चौंक जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत के दौरान अख्तरुल इमाम ने। देखिए, आगामी दिनों में पंचायत निकायों से संबंधित विधान परिषद के तमाम तर सीटों पर पार्टी लड़ने पर विचार कर रही है और अपनी तैयारी कर रही है। साथ ही बुछा उप विधानसभाओं में पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा करने का फैसला किया है। आगामी दिनों में जो शहरी इकाइयों में इलेक्शन होंगे उसमें भी पार्टी लड़ेगी। इसके लिए तमाम तर वर्करों को इसकी खबर दे दी गई है, तैयारी पार्टी चल रही है। अपने संगठन की ताकत की समीक्षा करते हुए और अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करने के बाद हम लोग इसमें अंतिम फैसला लेंगे, लेकिन पार्टी लड़ने जा रही है, मैं इसकी सूचना दे रहा हूँ। कितने MNC सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मैं कह रहा हूँ कि अभी देख लेंगे, हम तो सब तमाम पर सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं उसमें अगर कोई नया गठबंधन हम लोग के साथ आता है, जो लोग जुड़े हुए हैं सबसे मशवरा करते हैं हम लोग इस मामले में फैसला करेंगे। तो वैसे तो हम लोग समझ रहे हैं कि अब गठबंधन का मामला ये है कि हम लोगों का जिन पार्टियों से गठबंधन था उसमें से तो एक साहब चले गए हैं, एक जगह हम लोगों का गठबंधन है अभी DP यादव साहब के साथ, और हम लोग देखेंगे अपने गठबंधन की हम बात करेंगे, बाकी दूसरे गठबंधन से हमारा कोई अब तक का ताल्लुक नहीं है। हम लोग जो अपना सीमित लोग हैं और अपने सीमित संसाधनों के साथ, लेकिन जनता के दरमियान में जो विश्वास बढ़ा है तो हम समझते हैं कि बिहार में अब सीमित नहीं है, बिहार में हमारा फैलाव बढ़ा है, इसलिए हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। MLC के लिए प्रत्याशियों का नाम का घोषणा पार्टी ने चूँकि फैसला ही लिया है अभी, तो इसलिए तमाम तर क्षेत्रों के लोगों से फिर मशवरा करके फिर इसके मामले में। सर, वर्तमान राजनीति में जो उथल पुथल हो रहा है, खास करके कितने खुश है, क्या लगता है कि सरकार में आने का मौका मिलेगा क्या? देखिए, हम लोग वैसे भी MIM की पूरी तारीख देख लीजिए, हम सरकार में आने और सरकार के जाने को बड़ी चीज़ नहीं समझते हैं। हम हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए गए हैं ऐवान में, और ऐवान में हम हक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी आगे बढ़ेगा हम उसको साथ देंगे। फेका परस्तों के खिलाफ जो भी आगे बढ़ेगा हम उसका साथ देंगे, ये हम लोग चाहते हैं। अगर सर राजद ऑफर देती है तो सर उसका? भाई, अब ऑफर देती है, अब किसी ने न्योता ही नहीं दिया, कुर्ता पहन के आप बैठ जाइएगा, है ना? जब देखेंगे हालात जैसे होंगे। दो मेन है ना, हम लोगों ने कहा कि फिरका परस्तों को लेसर इविल पर लोग काम करते हैं, लेसर इविल की जो फिलोसफी रही है वही कामयाब फिलोसफी रही है। हम लोग चाहेंगे कि बिहार की जनता का जो शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं,
गरीबों की रोटी छीनी जा रही है, बच्चों की तालीम से लापरवाही बरती जा रही है, तो इन चीज़ों पर बिहार की जनता को भी, बिहार के आम जनमानस को भी, बिहार के बुद्धिजीवियों को भी, और सबसे ज़्यादा बिहार की जनता का भरोसा लेकर जो लोग सदन के मेंबर हर सुख सुविधा लेते हैं, उनको विचार करने की ज़रूरत है कि बिहार की जनता ने जो हम पर जिम्मेदारी डाली है, हम इस जिम्मेदारी का किस हद तक निर्वहन कर रहे हैं। MIM का मामला साफ है, फिरका परिस्थिति से ऊपर अवामी हक के लिए जो आगे बढ़ेगा, MIM उसका साथ है। सर सीधा, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।